हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, आपको पता ही है कि हम आपके कोर्स की न्यू न्यू वीडियोस लेकर आते रहते हैं। डेली 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 अपडेट्स के साथ आपको वीडियोस अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग। तो हमारी कोशिश ये है कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाए कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करें और बहुत ही अच्छा लगे आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले, और बड़ा मज़ा आए और बड़े खुश होकर आप एग्ज़ाम देने जाएं। यही हम लोग की कोशिश रही है हमेशा से। तो गाइस, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो थोड़ा हटके है। आज हम लोग BMCE को डिस्कस करने वाले हैं। BMCE क्या? BMCE देखो, BMCE क्या होता है? BMCE का फुल फॉर्म है आपका, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ, ये BMCE, ये दिख रहा होगा BMCE। गाइज, BMCE का फुल फॉर्म है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। क्या है? BMCE का फुल फॉर्म है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट का आज ये मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इसका चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बना है हमारा मशीन या मैकेनिकल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस से, जिसमें मशीन के पार्ट्स, किसी भी मैकेनिकल मशीन के, मशीन तो दो प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रिकल भी होती हैं मैकेनिकल भी होती हैं, तो किसी भी मैकेनिकल मशीन के कुछ पार्ट्स को इसमें डिस्क्राइब करेंगे आज हम, जो कि उसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको मैं अच्छे से आपको विजुअलाइज करा दूंगा और उनके बारे में बता दूंगा, है ना गाइस। तो मैं आपको मशीन के लगभग लगभग सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा और उनके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें समझा दूंगा मैं। रही बात कि आपको फिर एग्ज़ाम में आपको बताना तो होता नहीं, एग्ज़ाम में तो आपको लिखना होता है, तो उसके लिए नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। गाइस, आप मुझे ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो भी BMCE या किसी भी इलेक्ट्रिकल या किसी भी मैकेनिकल का कोई भी डेटा चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, मैं आपका गुरु आपका दोस्त रोहित आरव आपका स्वागत करता हूँ चैनल में, और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारा मैकेनिकल डिवाइस और कंपोनेंट्स को लेके है और BMCE का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं आज हम। क्या करने वाले हैं? BMCE का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। BMCE गाइस सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, आप ये समझिए इसको, इतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर का इसका पेपर होता है, 50 मार्क्स का, 50 नंबर का इसका पेपर होता है और सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये, किसी भी ब्रांच के लिए, ठीक है गाइस, जैसे इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो या सिविल हो। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ओके गाइस, चलिए गाइस, आई होप आप सभी इस सब्जेक्ट से ऑलरेडी परिचित हो गए और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये वीडियो बहुत बेस्ट साबित होगा। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 3 को पूरा एक्सप्लेन किया है, समझाया है। रही बात नोट्स की, क्या आपको नोट्स, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा तो रहा हूँ, ऐसे समझिए कि क्लास में आप समझ रहे हैं, नोट्स जो मैं लिखा रहा था वो आपको लिख के दे रहा हूँ खुद से, तो आप सारी चीज़ समझ जाएंगे, यहाँ पे फिर नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, है ना। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जहाँ से बात आती है मेन मशीन कंपोनेंट्स की। आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो हमारा है मेन मशीन कंपोनेंट्स का। इसमें क्या है कि मशीन के मेन मेन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, किसी भी मशीन के, जो कोई भी मैकेनिकल मशीन होती है उसके सभी मेन मेन कंपोनेंट्स को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई ज़्यादा भारी नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए, अगर एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, वैसे ये मैकेनिकल वालों के लिए भी है और सिविल इंजीनियरिंग वालों का सब्जेक्ट भी है,
लेकिन फिलहाल मैं जिसको प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सेकंड सेम के बच्चे। तो गाइज आपके लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली ये सब्जेक्ट एक ही सेमेस्टर में क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखो आप मैकेनिकल तो हो नहीं ना, आप सिविल में हो कि आप अगले सेमेस्टर फिर यही चीज़ें पढ़ोगे और क्लियर कर लोगे, तो ये ना बड़ी टफ चीज़ है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ के चलिएगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट कीमती है, एक एक वर्ड कीमती है, हर एक वर्ड को हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुन के चलेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना ही नहीं है आपको, ठीक है गाइस। चलिए गाइस शुरू करते हैं मेन मशीन कंपोनेंट से। कैमरा मैं इधर किए दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिख सके। मेन मशीन कंपोनेंट्स, बात आती है मेन मशीन कंपोनेंट्स की। तो कोई भी मशीन के जो जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं मेन, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। किसी भी मशीन के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल वाले, उनके बारे में बात करेंगे आज। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये आपके ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं मार्क किए देता हूँ आपको। देखो ये ऐसा लिखा है पिंस कटर एंड कनल जॉइंट्स, कीवेज एंड स्पिंडल ऑन द शाफ्ट, कॉलर्स, क्रैंक्स, एसेंट्रिक्स, कपलिंग एंड क्लचेस, बियरिंग, टाइप्स ऑफ गियर्स, स्प्रिंग, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। गाइस डरो मत, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े भारी भारी नाम लग रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नाम भले से थोड़े टफ हैं और आपको ना पता, अच्छा अब मैं पिन को पिन ही बोलते हैं, मैंने नाम आपको इंग्लिश में लिखे हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा क्लियर किए देता हूँ। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको ये नाम इंग्लिश में ही पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर तब भी आप चाहते हैं कि सर हमको तो इंग्लिश में थोड़ा इशू हो रहा है, तो मैं आपको इसका हिंदी वर्ड भी बता के जाऊँगा। आप जानते हो मुझे, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको ज़रूर बता के जाऊँगा दोनों ही लैंग्वेज में मैं। और जितने भी वर्ड इसमें लिखे हैं, इनमें से हर एक वर्ड को मैं आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा। अभी बस आने वाले 15-20 मिनट मेरे साथ रहना। और गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी आप ऐसे डबल क्लिक किया स्क्रीन पर भाग गया आगे, ये वाला काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो क्या पता कि जिस 10 या 20 सेकंड को आपने स्किप किया है, उन 10 या 20 सेकंड में मैंने कोई काम की इन्फॉर्मेशन दे दी हो जो कि आपकी मिस हो जाएगी। ओके गाइस तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, कंटिन्यू देखना, पूरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही चुका हूँ। चलिए गाइस और जिसको ज़रूरत है वो ईमेल कीजिए और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। पिंस, पिन ही बोलते हैं। कॉटर, इसका मतलब रहता है कि ये एक, अच्छा ये जितने नाम मैं लिख रहा हूँ ना आपको, इनमें से हर एक नाम का दिखा के जाऊँगा आपको मैं भी। जितने नाम लिख रहा हूँ मैं, इनमें से हर एक नाम का जो भी रियल में वो पार्ट दिखता है, कैसा वो पार्ट दिखता है, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बता के जाऊँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। नकल जॉइंट्स, उसके बाद कीज़ को बोलते हैं हम चाबी। कीज़ को हम हिंदी में या देसी लैंग्वेज में चाबी भी बोलते हैं। स्पिंडल ऑन द शाफ्ट का मतलब होता है शाफ्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि ये एक पहिया है, इस पहियों को चलाने के लिए हमको इस शाफ्ट में उस पहिए को फांसना पड़ता है, फिर हम इसको चलाते हैं ऐसे करके। जब ये शाफ्ट घूमता है फिर ये पहिया भी घूमता है। तो मैकेनिकल चीज़ें हैं, आपको वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान भाषा में बताने की, तो समझ के चलिएगा। उसके बाद शाफ्ट, कॉलर्स, क्रैंक्स, एसेंट्रिक्स, कपलिंग्स, क्लचेस, बियरिंग, टाइप्स ऑफ गियर्स, बैरिंग्स ना, बैरिंग या बियरिंग ये वर्ड है जो घूमता होता है जाल। अच्छा अभी आपको दिख जाएगा सब, तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। नाम के साथ साथ आपको वो याद करना बड़ा आसान रहेगा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो साथ में, ठीक है नहीं, क्योंकि जब चीज़ हमको सामने से दिख रही हो तब याद करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को याद कर लेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ गाइस शुरू करते हैं इसका वीडियो। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा होगा इस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं गाइस, पहला पॉइंट आपका अभी था ही, अब ये इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, अगर कहीं पेपर वेपर हो आपके पास तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास पिन, कॉटर एंड नकल जॉइंट्स। पिन, कॉटर एंड नकल जॉइंट, फिर से सुन लो, पिन, कॉटर एंड, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ ये इधर, पिन, कॉटर एंड
नकल जॉइंट्स। चलिए गाइस, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो इसमें दिख रहा है डायग्राम में, ये वाला हिस्सा, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 50% लोगों ने तो ये चीज़ देखी ही होगी, कम से कम 50% चीज़ों ने तो ये 50% लोगों ने तो ये चीज़ देखी ही होगी, कंफर्म ऐसा मैं उम्मीद करके बोल सकता हूँ इस बात को। जो लोग स्पेशली गांव से या ऐसी किसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ मशीनों का यूज़ काफ़ी किया जाता है, उन लोगों ने ये पक्का देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं आगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ रहता है कपलिंग के लिए। कपलिंग, जैसे मान लीजिए कि एक इंजन चल रहा है इधर, एक ये इंजन चल रहा है इधर, मैं कैमरा इधर किए देता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए कि ये इंजन घूम रहा है, अब ये इंजन घूम रहा है, हमें इस मशीन को ऑपरेट कराना है इस इंजन से, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते ऐसे करके बस कि इंजन था ये मशीन लाए और इसमें ऐसे करके लगा दिया और चल पड़ी, ऐसे नहीं होता कभी भी। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस डिवाइस के थ्रू, इस मशीन कंपोनेंट के थ्रू उन दो मशीन को आपस में जोड़ा जाता है। एक मशीन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इंजन चल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो घूम रहा होगा इंजन के साथ साथ, ये खूब घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस वाले पार्ट को किसी दूसरी मशीन या डिवाइस से ऐड कर देंगे जिसको हमको रोटेट कराना होगा, और अब उसके बाद इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट के अंदर ले जाएंगे ऐसे करके। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के अंदर ले जाएंगे, और अंदर ले जाने के बाद फिर हम इस पिन को नीचे कर देंगे। तो ये देखो आप ध्यान से देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखो इसमें भी एक होल बना है, इसमें दो होल बने हैं। तो जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जहाँ पे देखो पिंक पिंक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा कि हम ऊपर से जो आपको दिख रहा है इसका नाम है नकल पिन, इस नकल पिन को हम नीचे खिसका देंगे। उससे क्या होगा कि ये इन इस वाले छेद में से होती हुई, इस वाले छेद में से होती हुई, और ये वाला जो छेद है वो इन दोनों के बीच में आ चुका होगा, तीनों छेद को एक साथ कपल कर देगी और यहीं पे इन दो इन तीनों छेद को ये जोड़ देगी। अब क्या होगा कि जब ये तीनों छेद एक साथ ऐड हो चुके हैं, ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस ऐड हो चुका है, तब जब ये वाला डिवाइस रोटेट करेगा तो ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा। अब क्या होगा कि इस वाले मशीन की पावर इस वाली मशीन पर ट्रांसफ़र हो गई, क्या हो गई, इस मशीन की पावर जो उधर वाली मशीन थी उसकी पावर इधर वाली मशीन पर भी ट्रांसफ़र हो गई। और गाइस यही मेन काम है इसका, जो आपको समझा रहा हूँ इसका काम है पावर ट्रांसमिट करने का, क्या करने का, पावर ट्रांसमिट करने का। गाइस ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र में थोड़ा फ़र्क होता है, एक वर्ड होता है ट्रांसमिट और एक वर्ड होता है ट्रांसफ़र। तो गाइस ट्रांसमिट करना और ट्रांसफ़र करना दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। देखो गाइस ट्रांसमिट करने का मतलब रहता है कि पावर को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं लेकिन वहाँ से ख़त्म नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से कोई इंजन चल रहा है, उस इंजन पे हमने उस इंजन की साफ पे बेल्ट चढ़ाई, यानी कि पट्टा जिसको बोलते हैं, बेल्ट लगाया, और फिर उधर कोई मशीन थी उस पे भी बेल्ट लगाया। तो जब ये वाला घूम रहा है तो वो वाली बेल्ट भी घूम रही है, जब ये घूम रहा है तो वो वाली मतलब ये वाली शाफ्ट घूम रही है तो ये बेल्ट भी घूम रही है, जब ये बेल्ट घूम रही है तो वो वाली शाफ्ट भी घूम रही है, उससे क्या हो रहा है कि वो वाली मशीन भी ऑपरेट हो रही है। तो हमने इसकी पावर से उस मशीन को भी ऑपरेट करा लिया, इसको बोलते हैं हम पावर ट्रांसमिशन। कौन सी फॉर्म में, मैकेनिकल की फॉर्म में, कौन सी पावर का, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, ये काम करता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। डायग्राम अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो ऐसे ही बनाना है। आपको इसके मैं एक बार नाम से इंट्रोड्यूस कराए देता हूँ कि ये हैं क्या क्या, ये नकल पिन है जिसको कि सबसे बाद में डालेंगे। सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ के इसके अंदर खिसका देंगे, फिर इस पिन को नीचे कर देंगे, फिर इस कॉलर को इस पिन के अंदर लगा देंगे इस तरीके से, ताकि ये वाला पिन हिले डुले ना और ये कपलिंग जो भी बनी है वो एग्जैक्ट सेम रहे। चलिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, जो कि होनी भी चाहिए। ओके गाइस, लेकिन तब भी अगर आपका कोई भी डाउट आप रह गया है, मान लीजिए कि तब भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है
मान लीजिए कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को दूर करूँ, है ना। या आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हैं, ईमेल करके, व्हाट्सअप करके या फिर कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, जैसा मन करे। मैं आपके सभी डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। वैसे मैं पहले आपको इसी का एक और फिगर दिखाई देता हूँ, क्या पता आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। वैसे तो घर जितना क्लियर होना था हो ही गया है, लेकिन तब भी मैं आपको इसी का पिन क्वार्टर एंड नकल जॉइंट्स का एक और फिगर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए गाइस, ये है उसका वो फिगर, है ना। वो क्या था, वो आपको इस तरीके से दिख रहा था, इसको मान लो ये साइड भी था, अब ये टॉप भी हो गया, ठीक है ना गाइस। चलिए देखिए वही सब बातें हैं, फिर से हम ये पकड़ेंगे, इसको इसके अंदर लगाएंगे, फिर इस पिन को इसमें लगा देंगे, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे और इसको डाल देंगे, बस हो गया जॉइंट कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा, और बहुत से लोगों को ये बात शायद पहले से ही पता भी होगी। ओके गाइस, चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है की एंड की वेज। इसको मैं कैमरा थोड़ा खिसका देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिख सकें। की एंड की वेज क्या है, की एंड की वेज गाइस, की एंड की वेज का मतलब रहता है हमारा, आपको अच्छा मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसी को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम इसको ले लेते हैं, हमको ये घूम रहा है और इसमें ये चीज़ फिक्स करनी है ऐसे ऐसे, ताकि ये एक दूसरे से निकले ना। तो ऐसा मान लीजिए कि हम इसको जो है फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इशू क्या है कि ये जब तेज़ स्पीड से रोटेट करेगा, जब ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा तो चांस है कि ये जो है मतलब ब्रेक हो जाए या आपस में इनका कनेक्शन टूट जाए, ऐसे चांस है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक इतनी पतली सी पत्ती टाइप की लेते हैं, इसको चाबी बोलते हैं वैसे तो देसी लैंग्वेज में, और हिंदी में इसको चाबी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है की। तो हम क्या करते हैं कि हम इस पत्ती को, ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ डायग्राम में, ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें इस वाले को सेट करना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन रह गया क्या है, इशू क्या रह गया है, मान लीजिए कि मैं इसको अगर इसके अंदर सेट कर भी देता हूँ तो हो सकता है कि जब ये तेज़ चले तो ये निकल के बाहर आ जाए या टूट टूट जाए, ऐसा कोई इशू हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस कि ये एक की नाम का कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, ये देखो इधर की, इसको क्या करेंगे कि इसको पहले इसके अंदर लगाएंगे, फिर इस की को यहाँ से इसमें से होते हुए इसमें से और इसमें को ना ठोक देंगे अंदर, किसी हैमर की हेल्प से या किसी और कंपोनेंट की हेल्प से इस की को अंदर की ओर ऐसे करके ठोक देंगे, अंदर की ओर खिसका देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट इसके अंदर जा रहा है वो एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला कितनी तेज़ी से घूमेगा और कितना धीरे घूमेगा, ये कभी भी निकल के गिरने वाला नहीं है। सेफ्टी और प्रोटेक्शन हुआ, आप खुद से बताओ सेफ्टी हुई कि नहीं हुई, आप खुद से ये बात सोच के देखो कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा हो गई है इस चीज़ से। क्या है कि ये चाहे कितनी भी तेज़ी से घूमे फिर ये निकल के नहीं गिरेगा अगर हम इस की के थ्रू इसका कनेक्शन कर देते हैं तो। एंड आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ भी हम कपलिंग के दौरान ही करते हैं। इन सभी चीज़ों का मोस्टली यूज़ कपलिंग के दौरान ही किया जाता है। एंड हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ देखी भी हो, देख भी रखी हो, है ना। चलिए जिन लोगों ने नहीं देख रखी थी वो लोग आज देख लें, और जिन लोगों ने देख रखी थी उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके गाइस, चलिए फिर ये भी इसी का डायग्राम है इधर की साइड में कि की एंड की वेज। इसको बोलते हैं हम, ये जो नाली सी बनी हुई है, छोटा सा स्ट्रक्चर स्लॉट बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्लॉट। इसका नाम है की सेट। ये वो की है चाबी जो कि इसको ठोकेंगे, और ये वो जो जगह है इसमें बनी हुई यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं की वे। की वे का मतलब कि की के जाने के लिए बना हुआ रास्ता। ऐसा मान लीजिए जैसे यही जगह है, इसमें ऐसे करके बिल्कुल मतलब एकदम फिक्स हो जाएगा पूरी तरह से, तो की के जाने के लिए बना हुआ रास्ता उसको बोलते हैं हम की वे। तो की वे, की और की सेट। आई होप कि तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी गाइस। अगर एग्ज़ाम में ये पूछा गया तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना, बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और गाइस ये चीज़ें पूछी जरूर जाती है, ये ध्यान रखना।
एक टॉपिक आएगा इसमें जो कि मैं आपको थोड़ा आखिर में समझाऊंगा, गियर्स, गियर्स का नाम का टॉपिक है और वो टॉपिक कंफर्म पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है गाइस। गियर्स के नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ या दे दूंगा जल्दी ही। आपको गियर्स जरूर पढ़ के जाना है, आपको बेयरिंग जरूर पढ़ के जाना है और की एंड की वेज ये सब भी पूछे जाते हैं गाइस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं, चलिए, आई होप की एंड की वेज में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, तो इसी यही सोच के मैं आगे की ओर को बढ़ रहा हूँ और अगले कंपोनेंट को देखते हैं कौन सा है। अगला कंपोनेंट गाइस हमारा साफ्ट। क्या है कंपोनेंट? साफ्ट। साफ्ट में क्या है कि, अच्छा साफ्ट तो मुझे नहीं लगता कि साफ्ट के नाम से भी बहुत से कुछ लोग अपरिचित होंगे। साफ्ट का मतलब धुरा, साफ्ट को हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं धुरी, धुरी, धा उ र ई, धुरी ये बोलते हैं साफ्ट को हिंदी में। आई होप कि बहुत, मुझे लगता है आप में से लगभग 90% लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि साफ्ट किसको बोलते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि साफ्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर आप व्हील्स को यानी कि पहियों को अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इतना ही होता है। एक रोड होती है नॉर्मल, कुछ नहीं होता। इसमें क्या करते हैं हम कि एक पहिया लाए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया पहिए को, अब जब ये दूसरे पहिए को यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब अगर हम इस साफ्ट पर कोई पावर देंगे, जैसे मान लो किसी पावर के थ्रू हम इस साफ्ट को घुमा देते हैं, तो जब ये साफ्ट घूमेगी तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि ये वाला पहिया और ये वाला पहिया दोनों घूमेंगे, तो बस जब ये दोनों पहिए घूम जाएंगे तो आपका जो व्हीकल है, जो आपकी मशीन है, जो भी डिवाइस है, वो मूव करने लगेगी। दुनिया भर के सभी व्हीकल्स में, सभी मशीन्स में साफ्ट का यूज़ किया जाता है रोटेट कराने के लिए। एक रोटेटिंग डिवाइस है साफ्ट। क्या है साफ्ट? डेफिनेशन बताता हूँ आपको। साफ्ट किसी भी मशीन का वह रोटेटिंग पार्ट है जिस पर व्हील्स लगे होते हैं या पावर ट्रांसमिशन के काम आती है। गाइस बिल्कुल आसान वर्ड बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा नहीं कि एकदम टफ या टिपिकल वर्ड बता रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड्स तो टिपिकल ही हैं, लेकिन मैं आपको इनके, आपके लिए इनको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और गाइस आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिए यार, एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, अच्छे से पढ़ के चलो। नोट्स जो दे रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ के चलो, बाकी उन नोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाइए। मैं आपको इस वीडियो में कोई नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जैसे क्लास में लेक्चर देते हैं वो लेक्चर बता रहा हूँ बस, कि आप वो सब, मैं आपको उन सब चीज़ों का एक विजुअलाइज पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और आने वाले टाइम में आप इनको खुद से ही कर सकें। क्या रहता है कि अगर हमारे दिमाग में किसी चीज़ का इमेज बन जाता है, तो जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ का इमेज बन जाता है तो उसको याद करना भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और भाई इसी सोच के साथ मैं आपको ये सब पिक्चर पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो ये साफ्ट है, आपको डायग्राम में दिख रही होगी, इसको बोलते हैं साफ्ट। ये सब इसको बोलते हैं बाशर, आपके सेकंड ईयर में ये सब काम आएंगे। इसको बोलते हैं बाशर, इसको बोलते हैं नट और बोल्ट, ये नट बोल्ट बाशर, और ये है आपकी साफ्ट। ओके गाइस आई होप चीज़ आपको समझ में आई होगी साफ्ट किसको बोलते हैं, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और बढ़ते हैं हम अगले ही पार्ट की तरफ जो कि सरप्राइज है आपके लिए, उसका नाम आप देखेंगे स्क्रीन पर, क्रैंक। ये तो आप में से सबने देखा होगा या कोई ऐसा भी है जिसने ये भी नहीं देखा, क्रैंक। गाइस क्रैंक को हिंदी में भी क्रैंक ही बोलते हैं, मतलब इसका कोई हिंदी नाम है ही नहीं ये। अच्छा पता है आपको मैं इनके हिंदी नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ या क्यों नहीं, आप सोच रहे हो सर इंग्लिश में नाम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मशीन के पार्ट्स है ना, तो इनको तो क्रैंक को क्रैंक ही बोलेंगे, क्या बोलें फिर इसको, ये तो मशीन का पार्ट है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, ठीक है? नहीं चलिए देखो गाइस ये हर किसी ने देखा होगा, मेरे नज़र में, मेरे नज़रिए से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो मैंने अभी अभी इसको सर्किल किया है, ये वाला पार्ट हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने यूज़ किया होगा। साइकिल की चेन, आपके बाइसिकल की चेन को इस पर चढ़ाते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैडल लगा होता है, इस पैडल को घुमाना शुरू करते हैं, और जब ये वाला पैडल घूमना शुरू करता है आपके पैर के थ्रू घुमाते हैं ऐसे करके, तो आपकी साइकिल भी ये वाला हिस्सा घूमने लगता है, ये वाला हिस्सा घूमता। अच्छा चलिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ अच्छा खासा पावर ट्रांसमिशन का। देखो पावर ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल ये है कि आप यहाँ से इसको घुमा रहे हैं, ये चैन घूम रही है, तो आपने पावर यहाँ पे लगाई लेकिन आपके साइकिल के दोनों पहिए चलने लग गए, पावर ट्रांसमिशन तो ही।
इसके थ्रू एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में बना होता है, चैन लगी होती है इसके ऊपर। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो ये चैन घूमने लगती है। अब ये पावर हम यहाँ से होकर ऐसे जाती हुई इस पर गई, अब इसको भी घुमाती हुई वापस से आ गई। ये होता है पावर ट्रांसमिशन। देखो इसकी पावर ख़त्म भी नहीं हुई और इस पर भी पावर आ गई, इसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। ये साइकिल का पिछला वाला पहिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बनाकर, ये आगे वाला है आप घुमाते हैं। तो इस पे से आप जब इस पे पावर लगा रहे हो तो पावर इस तरीके से चैन के थ्रू होती हुई इस पे गई, इसको रोटेट कराया और जाते जाते ये अब वापस आ गई इसको मूव कराने के साथ साथ। पावर ख़त्म नहीं हुई, बस आगे से पीछे वाले की तरफ पहुँच गई। तो ये क्या कहलाती है वर्ड, ये कहलाती है पावर ट्रांसमिशन। एक बार फिर से मैं आपको पावर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ गाइस। जब आप पैडल के थ्रू साइकिल पर ये पावर लगाते हो, पीछे वाले पहिए में जो चैन वो लगा होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर जैसा आगे लगाइए, इन पर एक चेन लगी होती है ऐसे। तो अब यहाँ से आप इसको जब घुमाना शुरू करते हो तो ये वाला चैन घूमना शुरू करती है। जब ये चैन घूमना शुरू करती है तो घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचती है पावर, यहाँ से पावर लगनी शुरू हुई यहाँ पर पहुँची। अब इस पावर के थ्रू ये भी घूमना शुरू कर देता है और पावर चैन के थ्रू वापस आ जाती है। पावर का क्या हुआ, पावर आगे से शुरू हुई पीछे पहुंची, लेकिन आगे से ख़त्म नहीं हुई। अगर आगे से ख़त्म हो जाती तो पावर ट्रांसफ़र करना बोल देते, लेकिन आगे से ख़त्म नहीं हुई, आगे भी है और पीछे भी पहुंच गई, तो वो कहलाएगा पावर ट्रांसमिशन। किस फॉर्म में, मैकेनिकल की फॉर्म में। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। ओके गाइस, आई होप कि आपको चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्रैंक किसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो साफ साफ, इसका काम क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। ओके गाइस, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। बेयरिंग गाइस, बेयरिंग नाम का कंपोनेंट होता है जिसको मोस्टली लोग अगर देखा जाए तो नॉर्मल लैंग्वेज में बेयरिंग वेयरिंग ही कह देते हैं। ये बेयरिंग नाम का बेयरिंग होता है रियल में ये, लेकिन कुछ लोग इसको बेयरिंग बेयरिंग ही बोल देते हैं। तो इसका यूज़ क्या रहता है गाइस, इसका यूज़ ये रहता है कि ये शाफ्ट के ऊपर लगता है, शाफ्ट के ऊपर इसको फिट कर दिए। ये आप इसमें छेद देख रहे हो शायद, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट आउट करके, ये वाला आप छेद देख रहे हो, ये वाला छेद, इस वाले छेद में इस शाफ्ट को इस तरीके से इस शाफ्ट को ऐसे फिट कर दिया जाता है। अब ये शाफ्ट इसमें फिट हो गई, यानी कि अब ये बेयरिंग को हम उठा सकते हैं, तो ये बेयरिंग घूमना शुरू होगा। जब ये बेयरिंग घूमेगा तो हम इस बेयरिंग, जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये बेयरिंग भी घूमेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ क्या होता है। बेयरिंग का यूज़ होता है किसी भी शाफ्ट को फ्रीली मूव कराने के लिए। फिर से सुन लीजिए, किसी भी शाफ्ट को मुक्त अवस्था में घुमाने के लिए बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। फिर से सुन लीजिए आप, किसी भी शाफ्ट को मुक्त अवस्था में घुमाने के लिए बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। ये आपका बंधा मतलब पूरा स्ट्रक्चर बेयरिंग आपको ऐसे मिल जाता है देखने के लिए। और आई होप कि दुनिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप में से सभी ने ये देखा होगा का पार्ट्स, और शायद इसका यूज़ भी पता हो। नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है कैसा दिखता है। ये देखो ऐसा दिखता है बेयरिंग, और आपको दिखा दिया है इसका यूज़, बता दिया इसका यूज़ क्या रहता है। किसी भी शाफ्ट को मुक्त अवस्था में घुमाने के लिए बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, इससे क्या होता है कि शाफ्ट बिल्कुल फ्री हो जाती है और इसके ऊपर लगा हुआ कंपोनेंट बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकती है बेयरिंग के थ्रू। ठीक है ना गाइस, चलिए अब ये तो बेयरिंग का बंद स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा कंपोनेंट तैयार। ये इसका खुला हुआ स्ट्रक्चर है, इसकी ये बेयरिंग का जाल होता है और ये बाहर का कैबिनेट होता है। फिर से सुन लो, ये बेयरिंग का जाल होता है, ये जो छेद छेद दिख रहे हैं जाल होता है, और ये बाहर का कैबिनेट होता है। इन सबको मिला करके बेयरिंग बना दिया जाता है। अब मैं बेयरिंग के कुछ टाइप्स दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। ओके गाइस, देखिए बेयरिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने इनमें से बहुत सारे प्रकारों को देखा भी होगा। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैं कोई मैकेनिकल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से पढ़ा हूँ, लेकिन तब भी मैंने ये सारे के सारे प्रकार देखे हैं। मैं मैकेनिकल से ना पढ़ के भी आपको ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं सबसे पहला प्रकार है प्लेन बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग में क्या रहता है कि इसमें कोई गोली यानी कि मेटल स्पेयर यूज़ नहीं किया जाता, केवल बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे ही फ्रीली मूव करते हैं वो। उसके बाद यहाँ पर ये फ्लूड बेयरिंग।
फ्लूड बेयरिंग में क्या रहता है कि जैसे किसी फ्लूड में, किसी लिक्विड में अगर हमको कोई डिवाइस ऑपरेट करानी है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगला है आपका जेवल वेयरिंग। जेवल वेयरिंग का यूज़ किया जाता है गियर्स की तरह, ये गियर्स रहता है, आपको मैं दिखा दूंगा गियर्स कैसे होते हैं। ये वॉल बेयरिंग, पता है 90% लोग हम जिसको बेयरिंग समझ के, बेयरिंग जैसे कोई बोले कि बेयरिंग और हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है पहला वाला जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये वाला इमेज बनता है और किसी के दिमाग में ये वाला, इसका नाम है बॉल बेयरिंग। क्या नाम है इसका? बॉल बेयरिंग। गाइस एग्जाम में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है, लेकिन कुछ भी बनाने आए ना आए ये कन्फर्म है कि एग्जाम में आपको इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कम से कम 5 नंबर का। गाइस बेयरिंग का एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा, कम से कम 5 नंबर का। तो ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के चलोगे। अगला है हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग। क्या है? मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या रहता है कि ये मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल को मिलाकर बनाया जाता है, जहाँ पर जैसे इसका कभी कभी हम इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसका नाम अगले का क्या है, इसको दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, फ्लेक्चर बेयरिंग। क्या है? फ्लेक्चर बेयरिंग। ये क्या रहता है कि चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इससे हिल हिल के भी चीज़ों को मूव करा सकता है, फ्रीली रोटेट करा सकता है। बाकी ये आपको इधर दिख ही रहे हैं, बहुत सारे प्रकार हैं बेयरिंग के, आप देख लो। मैंने आपको अच्छे से बेयरिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, इनके टाइप्स के बारे में बता दिया है, और ये भी समझा दिया है कि आपको बेयरिंग में करना क्या क्या है, आपको हर चीज़ मैंने समझा दिया गाइस। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, गियर्स। यस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइज। एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा 5 नंबर का, कम से कम 5 नंबर, मैक्सिमम आपके 10 नंबर भी हो सकते हैं। इसके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक होता है गियर्स, एक होता है गियर ट्रेन्स। तो गाइज कम से कम 5 नंबर का कन्फर्म पूछा जाएगा, ये आप समझ के चलें, 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है। गियर्स पहले मैं आपको बताता हूँ, ऊपर आप स्क्रीन पर देखो ये गियर्स लिखा है। गाइज गियर्स को हम हिंदी में भी शायद गियर ही बोलते हैं। गियर्स का आपको मतलब बता, आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं यार? मैं आपको मतलब बता के चल रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि वो यूज़ कहाँ होता है, आपको मैं दिखा के चल रहा हूँ। अगर तब भी आपको हिंदी इंग्लिश का इशू है तो क्या कर सकते हैं फिर। लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं आपको चीज़ें सारी की सारी समझाऊँ। गाइज गियर एक ऐसी डिवाइस होती है, ये देखो शाफ्ट पे लगाया जाता है। अरे कहाँ गया ये शाफ्ट पर लगाया जाता है, और यहाँ इस होल में हम शाफ्ट को या एक्सल को फिक्स कर देते हैं, और ये जो इसमें कांटे बने हुए हैं कांटे, अब ये कभी भी गियर अकेला वर्क नहीं करता, हमेशा मिलकर वर्क करते हैं। जैसे ये चीज़ इसके साथ मिल जाएगी, और ये आप जब ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करना शुरू कर देगा काम। गाइस मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, का जितने भी कंपोनेंट इसमें आपको दिखाए गए हैं उनमें से मोस्टली कंपोनेंट का काम केवल एक ही है, पावर ट्रांसमिशन का। जितने कंपोनेंट आपको मैंने दिखाए हैं स्क्रीन पर इसमें, उनमें से ज़्यादातर कंपोनेंट का काम सिर्फ एक ही है, और वो काम क्या है? वो काम है पावर ट्रांसमिशन का। कौन सी पावर? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। क्या रहता है कि मैकेनिकल पावर जो किसी मशीन ने जनरेट की उसको ट्रांसमिट करते हैं ये दूसरी मशीन पर। जैसे कपलिंग, वो भी यही काम करती है, पीछे के सारे बेयरिंग भी यही काम करते हैं, और क्रैंक भी यही काम करती है, शाफ्ट भी यही काम करती है, की एंड की बेस तो स्ट्रक्चर था, और ये कटर नकल ये सब यही काम करते हैं। काम इन सब का एक ही है, बस क्या है कि प्रकार अलग अलग हैं। जैसे आप खाने में कभी छोले खाते हो, कभी आलू खाते हो, तो सबके अलग अलग है ना, वैसी कहानी इसकी है। काम सबका इनका एक ही है, पावर ट्रांसमिशन का। कौन सी पावर ट्रांसमिशन का? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का। चलिए गाइस गियर्स क्या होते हैं बता दिया। गियर्स एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो किसी एक डिवाइस की पावर दूसरी डिवाइस पर ट्रांसमिट करता है। क्या है? गियर एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो एक डिवाइस की पावर दूसरी डिवाइस पर ट्रांसमिट करता है। ट्रांसफर नहीं, फिर से सुन लो, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिट। इट मीन्स दैट कि वहाँ से उस मशीन से पावर ख़त्म नहीं होगी, वहाँ भी बनी रहेगी और नई वाली मशीन पर भी चली जाएगी। इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिट करना, ठीक है।
तो गियर क्या होता समझ में आ गया है। अब बस आपको ये बताना बाकी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ गियर में स्पर गियर, ये गियर शाफ्ट होती हैं, यहाँ पे गियर लगाया जाता है, ये तो शाफ्ट आपको दिखाई थी पीछे एक गियर लगा हुआ है। हेलिकल गियर, वेवल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, स्पाइरल वेवल गियर, रैक एंड पिनियन भी होता है, ये देखो ये है रैक एंड पिनियन, ठीक है ना गाइस। अच्छा आई थिंक मुझे अगर याद है तो आप सब ने सेकंड सेमेस्टर वालों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने इन सब को पढ़ लिया है, डायग्राम देखे थे इन सब के, आज चीज़ भी देख लो और साथ में यूज़ भी देख लो कहाँ होता है। गाइस स्पर गियर का यूज़ कहीं भी नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे किसी भी व्हीकल में। अच्छा आपने सुना ना गियर व्हीकल में कि गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में कि सेकंड गियर में कि थर्ड गियर में, कैसे पता लगाते हैं कौन से वाले गियर में या कौन से वाले गियर में नहीं है, वो यही वाले गियर होते हैं। उसमें क्या रहता है कि शाफ्ट एक गियर से दूसरे गियर पर शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए कि जैसे शाफ्ट पहले इस वाले गियर पर शिफ्ट थी तो गियर नंबर वन में चल रही थी, तो इसमें क्या था कि ये इसके स्लॉट्स ज़्यादा मजबूत थे लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती थी गाड़ी। अब गियर नंबर टू में हमने गियर बदला और शाफ्ट इस पर शिफ्ट हो गई। अब क्या है कि इसके स्लॉट्स छोटे हैं, जल्दी घूम सकते हैं, इसलिए गाड़ी तेज चल सकती है। हमने अगला क्या, लेकिन लोड ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएगी। अगला क्या होगा कि हमने फिर गियर चेंज किया, फिर हमने इस पर शिफ्ट कर दिया, या मतलब किसी भी, मैं एक बात एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, किसी और गियर पर शिफ्ट कर दिया तो ये जो है शिफ्ट हो गया। उसके बाद गियर इस तरीके से चेंज होते हैं, तो गियर का मतलब पावर ट्रांसमिट करना है किसी मशीन की दूसरी डिवाइस पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इनमें से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा आपसे, गारंटीड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कन्फर्म आएगा और आपको करना भी पड़ेगा। ओके गाइस, चलिए गाइस अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला और ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे पास स्प्रिंग। स्प्रिंग आई होप कि आप सब ने स्प्रिंग जरूर सुना होगा, वर्ड स्प्रिंग सुना होगा, देखा भी होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब ने स्प्रिंग जो है वो देखा भी होगा। तो गाइस क्या है कि स्प्रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में शॉकर भी कहा जाता है, शॉकर, शॉकर। ये ना कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये चीज़ों को टूटने से बचाता है झटके पर। मान लीजिए कि आपके पास कोई स्प्रिंग ना हो और आप ऐसे ही चले जा रहे हैं तो अचानक से झटका आया बाइक में, तो बाइक का कोई पार्ट ब्रेक हो सकता है क्योंकि वो ऊपर उठ के नीचे लगेगा धम। लेकिन स्प्रिंग होने की वजह से, ये शॉकर होने की वजह से, ये उस वेट को कुछ टाइम के लिए कैरी कर सकता है, ठीक है। नहीं, वो डिपेंड करता है इसकी पावर पर, जितनी इसकी पावर उतना ये वेट कैरी कर लेगा। ओके गाइस, आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, और स्प्रिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और स्प्रिंग का मैं दूसरा नाम भी बता देता हूँ, शॉकर। बाइक्स में, दुनिया भर की हर एक डिवाइस में शॉकर नाम से यूज़ की जाती है स्प्रिंग। कौन से नाम से? शॉकर नाम से यूज़ की जाती है, ठीक है। कौन से नाम से यूज़ की जाती है? शॉकर नाम से यूज़ की जाती है। ओके गाइस, तो स्प्रिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लोड के समय, मतलब इंस्टेंट चेंज के समय, जैसे मान लीजिए कि अचानक से ऐसे चल रहा था बाइक, ऐसे हो गई फिर ऐसे उठी, तो उस टाइम ही स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हमको झटका ना लगे और मशीन में खराबी होने के चांस ना हो। और दूसरा मैं बताता हूँ आपको, स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है वाइब्रेशंस को कैरी करने के लिए। फिर सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी स्प्रिंग की, कि मैकेनिकल कंपोनेंट जिसका नाम स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इसका यूज़ किया जाता है आपका मशीन में ऑपरेटिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशंस, यानी कि कंपन, मशीन किसी भी मशीन में ऑपरेटिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशंस को कैरी करने या ख़त्म करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना गाइस। चलिए गाइस, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अब मैं आपको कुछ स्प्रिंग के टाइप्स भी दिखाई देता हूँ। अच्छा वीडियो में मज़ा आ रहा है ना यार, बिना लाइक किए तो बिल्कुल नहीं जाना है आपको, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, शेयर करो जितना हो सके वीडियो को, ताकि और भी फर्स्ट ईयर वाले सब इसको पढ़ सकें। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ स्प्रिंग दिखाई देता हूँ, देखिए कुछ हैं, ज़्यादा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना होता है वैसे।
ये देखिए ये क्या है कि ये हेलिकल स्प्रिंग है, ये हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग है, कॉनिकल स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग, डिस्क और वेलिवल स्प्रिंग, लेमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। ये वाला जो स्प्रिंग है ये आपको देख रहा होगा, ये वाला इसका यूज़ होता है ट्रक वगैरह में, ट्रक में या बड़ी बड़ी व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है, इस वाले स्प्रिंग का, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि स्प्रिंग क्या होता है। ओके गाइस, अब एक कंपोनेंट और रह गया है, क्लच एंड क्लच प्लेट और कपलिंग, और कपलिंग फिर उसके बाद शायद ये ख़त्म हो जाएगा। क्लच एंड क्लच प्लेट गाइस, क्लच एक ऐसा कंपोनेंट होता है मैकेनिकल डिवाइस का या किसी भी मशीन का, और स्पेशली क्लच व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, ये देखो इधर ऐसा दिखता है क्लच प्लेट, क्लच प्लेट जो होती है वो ऐसी दिखती है। इसका नाम है क्लच और इसका नाम है क्लच प्लेट, ये क्लच है और ये क्लच प्लेट है। क्लच और क्लच प्लेट का काम क्या रहता है गाइस, क्लच और क्लच प्लेट का जो आपका वर्क रहता है वो ये रहता है कि ये किसी भी डिवाइस के रोटेटिंग या मूविंग कंडीशन में आने के लिए उत्तरदायित्व होता है, मतलब गियर्स को ऑपरेट करता है। अरे यार सीधी सी बात आपको बताता हूँ, ये गियर्स को ऑपरेट करता है, क्या करता है ये गियर्स को ऑपरेट करता है, मतलब गियर्स को ऑपरेट, प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमें क्लच एंड क्लच प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। क्या कि गियर्स के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमें क्लच एंड क्लच प्लेट की ज़रूरत पड़ती है ना गाइस। चलिए आई होप, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लच एंड क्लच प्लेट का मतलब समझ में आ गया होगा, और ये बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे पूछेगा तब आपको कर नहीं देना है। कपलिंग, अच्छा इतनी देर से जो हम बात बता रहे थे वो भी कपलिंग के बारे में ही थी, वो सारे के सारे प्रकार कपलिंग के ही थे, ये कुछ स्पेशल प्रकार भी हैं कपलिंग के। एक मशीन ये, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये, दोनों को फांस दो, बोल्ट कस दो, हो गए कपलिंग। सेम कहानी, एक डिवाइस ये, एक डिवाइस ये, दोनों को फांस दो, ये वाले बोल्ट कस दो, हो गए कपलिंग। कपलिंग का काम क्या रहता है, मैं पहले आपको कपलिंग का डेफिनेशन बताता हूँ। कपलिंग किसी भी मैकेनिकल मशीन का या कंपोनेंट का वह पार्ट होता है जिसमें कि पावर ट्रांसमिशन ही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इधर पावर थी, इधर की पावर को इधर पहुंचाने के लिए कपलिंग का यूज़ किया जाता है, इधर की पावर को इधर पहुंचाई जाएगी कपलिंग के थ्रू। मान लीजिए ये घूम रहा है पहले से, हमने इसको कपल कर दिया, अब ये भी घूमने लगा, बस कपलिंग का काम क्या, पावर ट्रांसमिशन का काम है, ठीक है नहीं। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होगे, कपलिंग किसको बोलते हैं ये समझ गए होगे। कपलिंग का काम क्या है, कपलिंग का काम है पावर ट्रांसमिशन का काम है, क्या काम है, पावर ट्रांसमिशन का। ओके गाइस, एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बड़ा मजा आया होगा, है ना गाइस। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस जाना मत, अभी वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ आपको मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम को कंसीडर करेंगी और अच्छे से आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प मिलेगी, अगर आपने ये बातें सुन ली तो। गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना चाहो, आप इस ईमेल पर हमें ईमेल कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पर। ओके गाइस, अब अगली चीज़ गाइस, एग्ज़ाम में आपको इफ़ेक्टिव आंसर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस एग्ज़ाम में एक इफ़ेक्टिव आंसर लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ना रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर हेडिंग पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, और राइटिंग बहुत मैटर करती है, आप डायग्राम को इतनी सुंदरता से बनाइए कि एग्ज़ामिनर पर, सामने वाले पर बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ जाए। एग्ज़ामिनर अगर आपकी कॉपी से जितना ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपके मार्क्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। सुन लीजिए, बिल्कुल अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जिन लोगों की कभी पहले कभी बैक लगी है, अगर वो इस तरीके को फॉलो करेंगे तो शायद कभी बैक नहीं लगेगी। देखिए गाइस, अगर आपने थोड़ा बहुत कम आंसर भी लिखा है तो चल जाता है, लेकिन अगर आपने गंदा लिखा है तो नहीं चलता। अगर आप थोड़ा बहुत आंसर को कम भी लिख दोगे तो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन अगर आपने राइटिंग बहुत गंदी गंदी लिखी है तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। वही वाली बात है कि अगर आपका लेख राइटिंग बहुत सुंदर है तो एक दो गलतियाँ भी नकार दी जाती हैं, लेकिन अगर लेख खराब है, राइटिंग खराब है, तो आपकी हर गलती को पॉइंट आउट किया जाएगा, अच्छी चीज़ भी गलती बन जाती है,
इसलिए गाइज आप कोशिश करो कि चीज़ों को अच्छे से लिखो, डायग्राम बहुत अच्छे से बना के चलो आप। बाकी गाइज आप और हम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी। अभी और भी वीडियोज लाऊंगा मैं जिसमें कि आपके BMCE, BEE, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कुछ सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। मैंने सेकेंड सेमेस्टर की जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाओ क्लिक करो देखो गाइस। लेकिन थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम की तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोज हैं हमारे चैनल पर, आप बिल्कुल बने रहिएगा। आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को मैं बहुत आसान बना दूंगा, फिलहाल सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर कराए देते हैं, ठीक है ना गाइस। तो सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप देखिए जा करके। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो, है ना गाइस। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है गाइस। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। ओके गाइस।